अस्सलामुअलैकुम मौलाना। कब्र जब अस्सलाम खोद के तैयार होता है उस समय मैयत घर में रहती है, फिर भी कोदाल एक नीचे रखना रखकर आदमी उठकर इधर उधर टहलता है, मैयत आता है उस समय कोदाल को निकालता है, ये क्या है कैसा है? भाई साहब ने एक सवाल किया है, बहुत वाज़ह समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि कब्र खोदते हैं किसी के इंतकाल होने के बाद, मैत घर पे रहती है और वहाँ कब्र खोदते हैं और फिर कुदाल कहीं पे छोड़ देते हैं, ये क्या तरीका है? हो सकता है कहीं पे ऐसा कोई तरीका हो कि कुदाल किसी ख़ास वक्त तक कहीं पर रखी जाती हो, तो अगर कब्र की बात कर रहे हैं कि कब्र में कुदाल छोड़ देते हैं जब मैत आती है तब निकालते हैं, तो भाई ये एक आदमी ऐसे ही छोड़ देता है कि चलो कुछ ज़रूरत पड़े तो कोई मसला नहीं है, अगर उसके पीछे कोई अकीदा है तो इसकी कोई असल नहीं है, यानी कुदाल का कोई लेना देने नहीं है तदफीन वगैरह से। भाई जो ज़रूरत है, कुदाल का काम सिर्फ क्या है, खोदना, तो खोदने में उसका काम लगेगा, उसके अलावा बाकी अकीदतन उसका कोई काम नहीं है, कोई अकीदतन उसका कोई काम नहीं है। अगर किसी और औजार से कब्र खोदी जा सके तो फिर कुदाल का भी काम नहीं है। तो कुदाल के ताल्लुक से अगर कोई अकीदा है, कोई सोच है, तो उसकी कोई असल नहीं है, चाहे कब्र के साथ हो या जो सवाल कर रहे हो सकता है किसी और जगह पे कुदाल वगैरह का रखने का कोई ऐसा मसला हो, तो ये जो भी चीज़ हो, बहरहाल अल्लाह आलम क्या शक्ल है, लेकिन जो भी चीज़ हो कुदाल के साथ कोई अकीदा जुड़ा हुआ नहीं है। उसका काम सिर्फ क्या है, कब्र खोदना। कब्र खोद दी गई, गड्ढा हो गया, कब्र खोद दिया, जहाँ भी ज़रूरत थी सब बराबर बराबर कर दिया गया, तो अब कुदाल का कोई काम नहीं है। अब उसको चाहे पहले निकाले बाद में निकाले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा।